हेलो गाइस, मेरा नाम है यमन और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने डांस के अंदर खुद ही डांस मूव बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने डांस के अंदर एक वाव फैक्टर लाना चाहते हैं। तो यदि आप भी यही चाहते हैं तो हमारा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है क्रिएटिंग शेप एंड स्पेस। तो यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आप इजीली कॉम्बोज बना सकते हो और साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। वो चाहे आप वेविंग करते हो, कटिंग करते हो या रोबोटिक करते हो, आप इन सभी पर हर डांस स्टाइल पर इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। वेट, यदि आप भी लॉकडाउन में बैठकर बोर हो रहे हो तो आज ही इस बोरियत को ख़त्म करिए और इस गोल्डन टाइम को एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करिए और हमारा बोन ब्रेकिंग 1-on-1 का कोर्स जो है उसे परचेज कीजिए और लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले ही ये डांस स्किल को सीखिए। यदि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं हमारे कोर्स के बारे में तो यहाँ पर आई बटन होगा, यहाँ पर वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और इस डिटेल में देखिए। वॉट इज़ क्रिएटिंग शेप एंड स्पेस, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है इल्यूजन पर, और क्रिएटिंग शेप्स और स्पेस का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं आपको क्रिएट करनी पड़ेगी आपकी इमेजिनेशन की हेल्प से। इसे इस तरीके से समझिए कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में हो जहाँ पे, जैसे कि आपने पैरेलल वर्ल्ड सुना हो, तो आप एक पैरेलल वर्ल्ड में हो जहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपने इमेजिनेशन से एक बॉक्स क्रिएट किया, तो जो एक बॉक्स होता है उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होते हैं, तो वो एक शेप क्रिएट करते हैं जब हम बॉक्स का, तो वो एक स्पेस को कवर करेगा, एरिया कवर करेगा। तो आपको याद रखना होगा कि जो एरिया वो कवर कर चुका है वो हमेशा उतना ही रहेगा, ठीक है। और अब मान लीजिए कि आप उस बॉक्स का यूज़ कर रहे हो और उससे ही आप उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप नए नए डांस मूव को उसको इंटीग्रेट कर रहे हो अपने डांस के साथ, उस ऑब्जेक्ट को अपने डांस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इसके लिए बेस्ट फॉर्मूला हमने बनाया है जो कि है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट यूज़ करिए, उसमें प्लस कीजिए डांस स्टाइल, मतलब कि आप चाहे वेविंग का यूज़ कर लीजिए या फिर टटिंग का या फिर रोबोटिक का या जो भी डांस स्टाइल आपको पसंद है उसका यूज़ कीजिए। और इसका इक्वल टू होगा क्रिएट यूनिक मूव्स, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट और आपकी जो डांस स्टाइल है उसका मूव, इन दोनों को मिला के एक अपना डांस का मूव बनाओगे, ठीक है। तो ये डांस का मूव बनाने के लिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो कि मैंने यूज़ किया है। तो इसमें मैंने जो ऑब्जेक्ट है वो चूज़ किया है बॉल, और जो मेरा डांस का स्टाइल है वो है वेविंग। तो वेविंग और बॉल को मैंने जब मिक्स किया तो मैंने इस प्रकार का एक डांस मूव बनाया, इसका मैंने नाम दिया है बाउंस वेव। और ये मैंने सब बहुत पहले किया था जब मैंने अपने टॉप 10 वेरिएशन वेव के बनाए थे, वो चाहे तो आप देख सकते हो आई बटन पे क्लिक कर कर। तो मैंने वो जब बनाया था तो मैंने इसी टेक्निक का यूज़ करके वो जो वेव थी वो मैंने क्रिएट की थी। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, मैंने एक इल्यूजनरी बॉक्स को क्रिएट किया है। तो आप देख रहे हो कि जो मैंने ये हाथ मेरा एक इल्यूजन है और ये मैं एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास हाथ में बॉक्स है। तो इस जो कॉन्सेप्ट है उसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप अपने डायरेक्ट बॉडी पर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कीजिए, जैसे मैंने बॉल है और बॉल को मैंने वेविंग में मिलाया, तो आपकी कोई बोल नहीं सकता कि मैंने इस बॉल से आइडिया लिया होगा और इन दोनों को ऑब्जेक्ट को मिलाकर ये मैंने मूव बनाया। तो ये यहाँ पर मुझे आपको किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये मूव कैसे बनाया। बट यहाँ पे जब हमारा सेकेंड जिस जो एग्जांपल है उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक बॉक्स का इल्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हो सकता है या तो आप इल्यूजन जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो दिखा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपका जो मेन गोल है वो यही है कि आपको एक मूव को क्रिएट करना है और इस मेथड का यूज़ करके। तो यदि आप इस मेथड का यूज़ करके एक मूव क्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे वो आपका वीडियो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा ताकि मैं उस वीडियो को यहाँ पर हमारे जो चैनल है उसके थ्रू दिखा पाऊँ कि आप भी इजीली कैसे एक मूव को क्रिएट कर सकते हो, और जो कि बहुत सिंपल है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ तो ये बहुत सिंपल वे में आप कर सकते हो, बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो आप इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ जाओ तो। सिंपल सा फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, ऑब्जेक्ट और डांस स्टाइल को यूज़ करके दोनों को मिक्स करके एक मूव बनाइए, और इसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे क्योंकि ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि ये मूव अच्छा भी है या नहीं, या फिर जो मैं कर रहा हूँ अच्छा भी हो रहा है या नहीं।
तो सबसे पहले आप इन दोनों का यूज़ करके एक मूव बनाइए, फिर उस मूव को अपने दोस्तों में दिखाइए या किसी डांसर से शेयर कीजिए जो आपके डांस जो पास में डांस करते हैं उनसे शेयर कीजिए कि मैंने इस टाइप का मूव बनाया, बताइए कैसा है ये मूव। यदि वो बोलते हैं कि अच्छा है तो आप इस पर और मेहनत कीजिए, और वो बोल रहे हैं कि नहीं बेकार है या फिर अच्छा नहीं लग रहा तो आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके और वापस से इस प्रोसेस को कीजिए और एक अच्छा मूव बनाने की कोशिश कीजिए। ये बार बार करोगे तो आप एक दिन मतलब आप समझ जाओगे इस ट्रिक को और आप फिर इजीली मूव क्रिएट करने लग जाओगे। तो इसका बेस तो यही है, बट अब ये समझिए कि यदि आप इस मूव को सीख जाओगे तो आप कितने सारे कॉम्बो बना सकते हो वो भी खुद से, आपको किसी की सीखने की ज़रूरत नहीं। बस इस पोर्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डिटेल्स पर ध्यान देना होगा। समझिए कि आपने यदि एक बॉक्स को चूज़ किया है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज़ किया है तो उसकी जो डायमेंशन है वो हमेशा सेम वही रहे, या फिर या तो उस डायमेंशन को आप चेंज कर रहे हो तो आप दिखा रहे हो कि आप उस डायमेंशन को चेंज कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने इस वीडियो में किया है कि मैंने पाइप का एक इल्यूजन क्रिएट किया, फिर मैंने पाइप को लंबा किया, फिर मैंने उसको घुमाया, इस टाइप से आप भी कर सकते हो, बट आपको दिखाना होगा कि आपने चेंज किया। यदि आपने एक बार जिस डायमेंशन में ऑब्जेक्ट को ले लिया है आपको याद रखना है उसी डायमेंशन में होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी रोबोटिक कर रहे हो और आपने इतना बड़ा बॉक्स लिया है और आपको अब इस बॉक्स को ही यूज़ करना है, ऐसा नहीं होगी आपने जब आपने इधर मूव किया तो बॉक्स इतना बड़ा हो गया। हो भी सकता है यदि आप इससे क्रिएटिव वे में करोगे तो ठीक है, तो यदि आप इसको क्रिएटिव वे में नहीं करोगे तो फिर ये अजीब भी लग सकता है। ठीक है, तो ये होता है, ये डिटेलिंग को आपको देखना होगा कि डिटेलिंग जो है वही इंपॉर्टेंट है। जो बड़े डांसर देखते हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट है, उनकी जो बॉडी मूव है, जो उनका बॉडी कंट्रोल है, वही उनकी सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। तो आपको हमेशा डिटेलिंग पर ध्यान देना होगा और ये आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना होगा जब आप इस डांस को सीखने की कोशिश करोगे तब। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे दोस्तों को मैं बोलना चाहूँगा, मेरे जो डांस के दोस्तों ने बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए क्योंकि व्यूज़ बहुत कम है। यदि आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपको कोई क्वेश्चंस हो आपके डांस से, यदि आप में आपने कोई सा वीडियो देखा हो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो वीडियो के अंदर तो आप प्लीज़ मुझे पूछिए, क्योंकि मैं बहुत ही फ्री हूँ इस चीज़ में, मैं आपको बिल्कुल कमेंट करूँगा। यहीं पर समाप्त करते हैं, इससे पहले आप यदि नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।